दोस्तों आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की, जिसे फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर हम जीडीपी की टर्म्स में देखें तो तमिलनाडु इंडिया का सेकेंड वेल्दियस्ट स्टेट है। वहीं इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग्स में ये स्टेट मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री स्टेट माना जाता है। स्टेट अपने हाईली अर्बनाइज पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में दिखाई देती है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तमिलनाडु की जीडीपी में ऑलमोस्ट 1/3 कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल। लेदर, टैनिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, तमिलनाडु ने हर सेक्टर में एक्सपर्टीज हासिल कर अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया के रूप में प्रोजेक्ट किया है। आज इंडिया की ऑलमोस्ट 17% फैक्ट्रीज अकेले तमिलनाडु में लोकेटेड है। साथ ही इनका इंडिया के इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में ऑलमोस्ट 16% कंट्रीब्यूशन है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कैसे तमिलनाडु ने इतना ग्रो किया। साथ ही हम नजर डालेंगे स्टेट की डाइवर्स फैक्ट्रीज पर, जिनके बलबूते पर स्टेट एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना है। चलिए पहले हम तमिलनाडु की ग्रोथ हिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों अगर हम तमिलनाडु की हिस्ट्री को देखें तो हम देख सकते हैं कि संगम पीरियड से ही रीजन अपने फ्लरिशिंग इकोनॉमी और कल्चर के लिए जाना गया है। 500 BC से 300 CE के बीच अलागनकुलम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर या पोर्ट सिटी के रूप में उभरा। तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में पाए जाने वाले सिटी के तहत स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एक्सटेंसिवली ट्रेड किए जाते थे। इस दौरान रीजन को 3 डायनेस्टीज ने रूल किया, छेरास टुवार्ड्स द वेस्ट, चोलास टुवार्ड्स द नॉर्थ और पांड्यास टुवार्ड्स द साउथ। इन सभी डायनेस्टीज ने फर्टाइल लैंड को यूज कर एग्रीकल्चर प्रमोट किया। रोमन्स, हान चाइनीज के साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप किए। मुजीरिस और कोरकाई सीपोर्ट की मदद से स्पाइसेस, पर्ल्स और सिल्क को एक्सटेंसिवली ट्रेड किया जाने लगा। अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो पल्लवास के बाद 9th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी ने रीजन में डोमिनेट किया। उन्होंने नेवल एक्सपर्टीज को यूज कर साउथ ईस्ट एशिया के साथ मैरिटाइम ट्रेड रिलेशन भी स्टैब्लिश किए। चोलास के डिक्लाइन के बाद पांड्यास, विजयनगर और नायकाज ने रीजन को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। फाइनली 17th सेंचुरी में यूरोपियंस ने ईस्टर्न कोस्ट में सेटल करना शुरू किया। 1609 में डच ने पुलिकट में सेटल किया और 1639 में ब्रिटिशर्स ने मद्रास या प्रेजेंट डे चेन्नई में सेटल किया। मद्रास के लोकेशनल एडवांटेज को यूज कर फोर्ट सेंट जॉर्ज का यहाँ निर्माण किया गया। इस फोर्ट की मदद से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ट्रेड को रेगुलेट किया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे सदियों से तमिलनाडु अपने लोकेशनल एडवांटेज के चलते एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब के रूप में इमर्ज हुआ। जहां अब तक तमिलनाडु पोर्ट सिटी के रूप में उभरा, इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ने स्टेट को ग्रोथ इम्पीटस दिया। आज तमिलनाडु इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट माना जाता है। तमिलनाडु की ग्रोथ हिस्ट्री को देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि किन एडवांटेजेस के कारण ये स्टेट आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन पाया है। सबसे पहला है लोकेशनल एडवांटेज। दोस्तों तमिलनाडु में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कोस्टलाइन पाया जाता है, जो कोरोमंडल कोस्ट को बॉर्डर करता है। इंडियन ओशन के प्रॉक्सिमिटी में होने के कारण रीजन एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट का हिस्सा बना। यहाँ से इजिली मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसी लोकेशनल एडवांटेज को यूज कर हिस्टोरिकली ये स्टेट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी के रूप में उभरा। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तमिलनाडु अपने वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली एंड मदुराई। इसी के साथ सेलेम, थूथुकुड़ी और वेलोर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। एयर कनेक्टिविटी के साथ स्टेट अपने ब्रॉड कोस्टलाइन के कारण पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 3 मेजर पोर्ट्स हैं, चेन्नई, इन्नौर और थूथुकुड़ी, और कई माइनर पोर्ट्स जैसे कड्डालोर और नागापट्टिनम। आपको बता दें कि चेन्नई पोर्ट इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, निवेली लिग्नाइट पावर प्लांट यहाँ के चीफ पावर जनरेशन प्लांट्स हैं। रिसेंटली कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो 2000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ इंडिया का लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कैसे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मदद से इन्वेस्टर्स को ल्यूर किया जा रहा है। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्किल्ड वर्कफोर्स। तमिलनाडु इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग लिटरेट स्टेट्स है। यहाँ पर 37 यूनिवर्सिटीज, 552 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे IIT मद्रास, अन्ना यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा।
इन प्रेस्टीजियस कॉलेजेस की बदौलत लाखों स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट करते हैं जो न्यूमरस सेक्टर्स के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनली कंड्यूसिव बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते इन्वेस्टर्स ने तमिलनाडु को प्रेफरेंस दिया है। टैक्स इंसेंटिव्स, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज के चलते प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट यहां प्रेवेलेंट है। दोस्तों इन सभी फैक्टर्स के चलते तमिलनाडु ने आज मैसिव ग्रोथ अचीव किया है। अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात से कंपेयर करें तो तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज काफी स्पेशली डाइवर्स हैं, यानी इंडस्ट्रीज को उनके टाइप के अनुसार अलग अलग रीजन्स में क्लस्टर किया गया है। जैसे सिवाकासी मैथस्टिक्स और फायरवर्क्स के लिए, तिरुपुर नेटेड गारमेंट्स के लिए और चेन्नई ऑटोमोबाइल के लिए। इन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स के बदौलत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हुआ जिसके कारण प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाई दिया। जहां तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट माना जाता है, तमिलनाडु यहां स्टैंड आउट करता है अपनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और सोशली इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। इकोनॉमिक सेंसस 2013-14 के अनुसार ओबीसीज गुजरात में 11% और महाराष्ट्र में 8% एंटरप्राइजेस कंट्रोल करते हैं। ये नंबर तमिलनाडु में 67% तक पहुंच जाता है। वहीं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार तमिलनाडु में वन ऑफ द हाईएस्ट दलित एंटरप्राइजेस मौजूद है। इस डिसेंट्रलाइज्ड और इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अब हम इन इंडस्ट्रीज पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की। दोस्तों तमिलनाडु को इंडिया का टेक्सटाइल हब कहा जाता है। यहाँ पर स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक सभी प्रोडक्शन चेन फैसिलिटीज मौजूद हैं। इंडिया का ऑलमोस्ट 50% स्पिनिंग मिल्स तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के वेस्टर्न रीजन यानी कोयम्बटोर, तिरुपुर, इरोड, नमक्कल, करूर और दिंडीगुल में मेजोरिटी स्पिनिंग मिल्स और गारमेंट यूनिट्स पाए जाते हैं। यहाँ से गुड्स को डायरेक्टली चाइना, बांग्लादेश और यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। तिरुपुर को अपने कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कारण डॉलर सिटी कहा जाता है। यहाँ से निटेड गारमेंट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है जिसका नेट रेवेन्यू 3 बिलियन से भी ज्यादा है। वहीं करूर होम टेक्सटाइल्स यानी कर्टेन, बेड लिनेंस, किचन लिनेंस, टेबल लिनेंस एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट हब है। इरोड साउथ इंडिया का मेजर रिटेल और होलसेल रेडीमेड क्लोथ मार्केट है। मदुरई और कांचीपुरम हैंडलूम साड़ीज के लिए फेमस है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स को दुनिया के 3 मेजर टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक माना जाता है जो कि कोयम्बटोर में लोकेटेड है। टेक्सटाइल कंपोनेंट्स को यहाँ से मैन्युफैक्चर कर यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी कारण कोयम्बटोर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अगला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तमिलनाडु वर्ल्ड के टॉप 10 ऑटोमोबाइल हब्स में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर इंडिया का ऑलमोस्ट 35% ऑटो कॉम्पोनेंट प्रोडक्शन होता है। टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स से लेकर पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट तक यहां मैन्युफैक्चर किया जाता है। चेन्नई में मैक्सिमम ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज मौजूद है, इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहां पर इंडिया का ऑलमोस्ट 30% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मौजूद है। मद्रास रबड़ फैक्ट्री या MRF टायर्स, TI साइकिल और TVS टायर ग्रुप ने अपना बेस चेन्नई में ही एस्टैब्लिश किया है। वहीं कोयम्बटोर के एल्स्टॉम में रेल ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। कोयम्बटोर को इंडिया का पंप सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर इंडिया के ऑलमोस्ट 50% मोटर और पंप प्रोड्यूस होते हैं। आपको बता दें कि कोयम्बटोर के वेट ग्राइंडर को GI टैग भी दिया गया है। इसी के साथ करूर बस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। यहाँ पर साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट बसेस का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया का ऑलमोस्ट 16% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर है। 2017 से 18 के बीच में इंडस्ट्री ने 1.63 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। चेन्नई आज इमर्जिंग EMS हब ऑफ इंडिया के रूप में उभरा है। कई कंपनीज जैसे मोटोरोला, सोनी रिक्सन, फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को और डेल ने चाइना को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। यहाँ पर मोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डेस्कटॉप्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स और सर्वर्स तक मैन्युफैक्चर किया जाता है। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उरागा डैम और श्री परम्बुदुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किए गए हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाएगा।
करेंटली तमिलनाडु इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर और इंटरनेट सब्सक्राइबर है, जो आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देगा। अब हम बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री की। दोस्तों, तमिलनाडु में इंडिया के ऑलमोस्ट 60% लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। यहाँ से इंडिया का 38% लेदर फुटवियर और गारमेंट्स प्रोड्यूस होता है और 50% लेदर एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजोरिटी लेदर और टैनरी फैसिलिटीज वेलोर और उसके नियर बाई टाउन्स रानीपत, एम्बूर और वन्यामबाड़ी में पाए जाते हैं। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का टॉप फिनिश लेदर गुड एक्सपोर्टर है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए CSIR ने चेन्नई में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है। इसी के साथ तमिलनाडु का केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी काफी फ्लरिशिंग है। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के सेल्स के टर्म में तमिलनाडु 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये स्टेट इंडिया के टोटल केमिकल प्रोडक्शन आउटपुट में 6% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर 2588 से भी ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। थूथुकुड़ी मेजर केमिकल प्रोड्यूसर है। लीडिंग MNCs जैसे IFF, DOW, CPCL, टाटा केमिकल्स और सनमार ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस यहीं पर एस्टैब्लिश किया है। पॉलीमर इंडस्ट्रीज की मदद से प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है और इन इंडस्ट्रीज के बदौलत 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अगर हम डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु आज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। कई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग PSUs जैसे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स जैसे L&T एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट, अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स और महिंद्रा एरोस्पेस जैसी कंपनीज ने अपना बेस यहीं पर एस्टैब्लिश किया है। यहीं पर इंडिया का फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर और एरोस्पेस पार्क मौजूद है। चेन्नई, कोयम्बटोर, सलेम, तिरुचिरापल्ली प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और नागरकोली और होसूर सेकेंडरी सेंटर्स हैं। फ्रेंच एरोस्पेस और डिफेंस जॉइंट एयरबस ने यहाँ $1 बिलियन एरोस्पेस में इन्वेस्ट किया है। जॉइंट स्ट्रक्चर्स के अलावा गन्स, अम्यूनिशन और बुलेट्स कोयम्बटोर में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कोयम्बटोर के SPNSEZ में L&T और फ्रांस बेस्ड MBDA ने फुली असेंबल्ड मिसाइल सिस्टम फैक्ट्री लॉन्च किया है, जिसे यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। फाइनली, अगर हम मिसलेनियस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ कई छोटे छोटे चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सिवकासी रीजन में प्रिंटिंग, फायरवर्क्स और सेफ्टी मैचेस के लिए जाना जाता है। इंडिया के फॉर्मर PM जवाहरलाल नेहरू ने इस टाउन को लिटिल जापान कहा था। यहाँ पर इंडिया का 80% फायरवर्क प्रोडक्शन और 60% प्रिंटिंग सॉल्यूशंस प्रोडक्शन होता है। इसी के साथ अरियालपुर, कोयम्बटोर, करूर और तिरुनेल वैली की मदद से यहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट सीमेंट प्रोडक्शन होता है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें तो तमिलनाडु इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और ये स्टेट इंडिया के टोटल फूड प्रोसेसिंग आउटपुट में 8% कंट्रीब्यूट करता है। टाटा कॉफी, ब्रिटानिया, नेस्ले, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे बड़े MNCs ने अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर एस्टैब्लिश किए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज ने मैसिव प्रोडक्शन कर तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया है। स्टेट के इस मैसिव ग्रोथ के बावजूद ऐसे कई चैलेंजेस हैं जो तमिलनाडु के सामने उभर रहे हैं। पहला है हाई डेट। जहां एक तरफ तमिलनाडु इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट GDP कंट्रीब्यूटर है, वहीं दूसरी तरफ ये स्टेट हाई डेट से गुजर रहा है, जो 2020 से 21 तक 4.86 लाख करोड़ के पार चला गया है। इस फिजिकल मेस का सीधा इम्पैक्ट स्टेट के सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हेल्थ और एजुकेशन पर पड़ता है। नेक्स्ट है फार्म क्राइसिस। भले ही एग्रीकल्चर तमिलनाडु की GDP में सिर्फ 0.9% कंट्रीब्यूट करता है, पर यह सेक्टर यहाँ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। 2/3 रूरल हाउसहोल्ड्स एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, जिसमें करीब 93% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। नेफिस सर्वे 2016-17 के अनुसार, जहां एक तरफ स्टेट ने मैसिव प्रोडक्शन अचीव किया, वहीं दूसरी तरफ एवरेज मंथली फार्म इनकम सिर्फ 9,975 है, जो कई स्टेट से कम है। इसी कारण तमिलनाडु में इनडेटनेस 61% है, जो नेशनल एवरेज 47% से भी ज्यादा है। इसके अलावा वाटर स्कार्सिटी, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ने रूरल इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिस्टर्ब किया है। अगला है वाटर क्राइसिस। आपको बता दें कि तमिलनाडु वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरिया में पाया जाता है, इसलिए मेजोरिटी रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून विंड्स नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स कोस्टल रीजन में लेके आती है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आज कई डिस्ट्रिक्ट जैसे धर्मपुरी, कृष्णागिरी, सेलेम, वेलोर, तिरुचिरापल्ली ड्रॉट फेस कर रहे हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर लेवल पर हो रहा है, जो अपने लोवेस्ट लेवल्स पर है।
सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एक सर्वे के अनुसार तमिलनाडु के ऑलमोस्ट 60% वेल्स बिलो डिजायरेबल लेवल है। अगला मेजर इशू है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई 2019 में 0.9% था और यही नंबर अप्रैल 2020 में 49.8% तक पहुंच गया। ये नेशनल एवरेज 23.5% से काफी ज्यादा है। इसी के साथ एमएसएमई सेक्टर ने भी क्लोजर फेस करना शुरू किया है। स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी नोट के अनुसार जहां 2016 से 17 में 2.67 लाख एमएसएमई यूनिट्स थे, ये नंबर 2018 से 19 में 2.17 लाख तक पहुंच गया है। वहीं इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट करीब 5.2 लाख से कम हुआ है। इन क्लोजर्स के कई कारण हैं, जैसे डिलेड पेमेंट बाय कॉर्पोरेट्स, जीएसटी इश्यूज, लैक ऑफ ऑर्डर्स, राइज ऑफ रियल एस्टेट प्राइसेस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स एक्सेट्रा। इन सभी फैक्टर्स ने एमएसएमईज को चलाना इम्पॉसिबल बना दिया है। फाइनली तमिलनाडु आज कई अर्बन प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे चेन्नई में एक्यूट वाटर स्कार्सिटी, पॉल्यूशन एंड फ्लडिंग। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई साल भर में ऑलमोस्ट 55 इंचेस रेनफॉल विटनेस करता है, जो लंदन से डबल और लॉस एंजलिस से 4 times है। वन ऑफ द वेटेस्ट सिटी इन इंडिया होने के बावजूद 2019 में यहाँ एक्यूट वाटर शॉर्टेज है। इसका मेजर रीजन है पुअर अर्बन प्लानिंग। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार सिटी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर बॉडीज के फ्लड प्लेन्स पर एस्टैब्लिश किया है। यहाँ के फेमस आईटी कॉरिडोर को 230 स्क्वायर किलोमीटर मार्शी लैंड पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपको बता दें कि मार्शी लैंड वाटर को स्पंज की तरह अब्सॉर्ब करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, लेकिन सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स और सिविक अथॉरिटीज के मानक ने इसे अनदेखा कर दिया और 2019 में सिटी ने डे जीरो विटनेस किया, जब सभी मेन रिजर्वॉयर्स एम्प्टी हो गए और गवर्नमेंट को ड्रिंकिंग वाटर ट्रक्स के माध्यम से वाटर सप्लाई करना पड़ा। पर साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्टिवली कई मेजर्स लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स FIG और फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप FPG में ऑर्गेनाइज कर कलेक्टिव फार्मिंग प्रमोट किया जा रहा है। इससे फार्मर्स बेटर प्राइस रियलाइज कर पाएंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे। ड्रॉट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मिशन ऑन सस्टेनेबल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम की मदद से 1000 क्लस्टर्स कवरिंग 25 लाख एकड़ फॉर्म किए गए हैं और उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, विलेज लेवल कस्टम हायरिंग सेंटर्स और वैल्यू एडेड यूनिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन प्रमोट करने के लिए स्टेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 100% सब्सिडी और रेस्ट ऑफ फार्मर्स को 75% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट को इन एफर्ट्स के चलते प्रेस्टीजियस नेशनल अवार्ड कृषि कर्मान अवार्ड 5 times दिया गया है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कई मेजर्स ले रही है। एमएसएमईज को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। पार्टिसिपेंट्स को एयर फेयर, रेंट, शिपिंग एक्सपेंसेस कंप्लीटली सब्सिडाइज किया जा रहा है। विजन 2023 के तहत फाइनेंस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट जैसे इश्यूज को टैकल किया जाएगा। वहीं आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उन्हें इंटीग्रेटेड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर 6 submarine केबल्स की मदद से ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूल अलाउड है, यानी इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट या RBI के अप्रूवल के बिना इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेन्नई के ओरेगा डैम रीजन में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसे हम NATRIP के नाम से भी जानते हैं, उसको लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से वर्ल्ड क्लास ऑटोमोटिव सेफ्टी, एमिशन और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल इंडस्ट्री से सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है, जिससे इंडस्ट्रीज को स्टेबल वर्कफोर्स सप्लाई मिल सके। तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक स्टडी स्किल गैप असेसमेंट एंड एक्शन प्लान फॉर तमिलनाडु ने रिवील किया है कि 2025 तक स्टेट 48% वर्कफोर्स शॉर्टफॉल विटनेस करेगा। इस इशू को सॉल्व करने के लिए एपेक्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे। इसी के साथ TVS ट्रेनिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, कावेरी मेडिकल केयर लिमिटेड और लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसलिंग के साथ MOU साइन किए गए हैं, जो सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स प्रोवाइड करेंगे।
फाइनली वाटर स्कार्सिटी इशू को सॉल्व करने के लिए कई मेजर्स लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने चेन्नई के सभी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स मैंडेटरी कर दिए हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने सिटी ऑफ 1000 टैंक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और डच गवर्नमेंट की मदद से मैन मेड टेम्पल टैंक्स को रिस्टोर किया जाएगा और स्लोपिंग रीजन्स में नए टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करेंगे। इन सभी स्टेप्स ने स्टेट को पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिलाने में हेल्प किया है। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इन स्टेप्स को जानने के बाद चलिए अब हम स्टेट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। 1980s में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगाराजन ने कहा था कि 1% एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 0.5% इंक्रीज और नेशनल इनकम में 0.7% इंक्रीज लाता है। ये स्टेटमेंट आज भी रेलेवेंट है। अगर हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ अचीव करना है तो हमें कई स्टेप्स लेने होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट मेथड की मदद से पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर फूड वेस्टेजेस को रोका जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ई नैम की मदद से न केवल सप्लाई चेन इम्प्रूव होगा पर बेटर प्राइस रियलाइजेशन भी होगा। इसी के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए ताकि फार्मर्स एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी, पॉल्यूट्री फार्मिंग अडॉप्ट करें जो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहुंचा सकता है। वहीं आज फूड प्रोसेसिंग सिस्टम में भी इनॉर्मस पोटेंशियल है। तमिलनाडु एक लीडिंग एग्रो प्रोसेसिंग स्टेट है जहां करीब 24,000 माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और 1100 मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस हैं। यहां इंडिया का 7% वेजिटेबल्स और 12% फूड प्रोडक्शन होता है। इन सब के बावजूद सिर्फ 2% एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज को प्रोसेस किया जाता है। अब वक्त है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉमोडिटी बेस्ड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट करें ताकि ईजिली रॉ मटेरियल्स सोर्स किए जा सकें और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मिनिमाइज हों। फूड पार्क्स को 3 कैटेगरीज स्मॉल, मेगा एंड अल्ट्रा मेगा फूड पार्क्स में डिवाइड कर एफिशिएंटली छोटे से बड़े लेवल तक फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए मॉडर्न टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्सेस कांचीपुरम और मदुराई में एस्टैब्लिश किए हैं। इन सेंटर्स को डिफरेंट रीजन में स्प्रेड कर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी डेवलप की जा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है फिशरी सेक्टर। तमिलनाडु का कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट 1076 किलोमीटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 1.9 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंडेड है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज 1,00,000 टन मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार इस सेक्टर का पोटेंशियल 7,00,000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा है। इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई मेजर्स लिए जा सकते हैं जैसे PPP मोड में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे चेन्नई, कडलोर और नागापट्टिनम में फिश प्रोसेसिंग पार्क स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। थिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में कोलाटपुर रीजन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर स्पेशलिस्ट के लिए फेमस है। यहाँ हाई क्लास ऑर्नामेंटल फिशेस जैसे अरावना, फ्लावर हॉइंट और ऑस्कर्स को ब्रीड और एक्सपोर्ट किया जाता है। इन फिशेस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी है जिसे टैप किया जा सकता है। फाइनली इनोवेटिव मेथड्स जैसे केज कल्चर, एक्वा कल्चर की मदद से लैंड फिशरी, प्रॉन्स और ऑयस्टर फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो तमिलनाडु अपने इंजीनियरिंग टैलेंट पूल को यूज कर इनॉर्मस ग्रोथ हासिल कर सकता है। जहां अब तक फोकस IT, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और लेदर इंडस्ट्री पर रहा है, अब वक्त है नए सेक्टर्स को डेवलप किया जाए। तमिलनाडु एक हेल्थ केयर हब है और इसी कारण यहाँ बायोटेक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को नेचुरली डेवलप किया जा सकता है। जहां अब तक इंडिया मेडिकल डिवाइसेस बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है, हम यहाँ पर लोकल सेंटर्स डेवलप कर तमिलनाडु को मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्शन हब बना सकते हैं। वहीं जिस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश किए गए हैं, उसी प्रकार इंश्योरेंस, बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, ई कॉमर्स कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए फिनटेक पार्क एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। फाइनली टूरिज्म सेक्टर को यहाँ का ग्रोथ इंजन बनाया जा सकता है। तमिलनाडु इंडिया का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंसीडर किया जाता है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार 60-70% टूरिज्म रिलीजियस डेस्टिनेशन बेस्ड है। यहाँ कई रिलीजियस साइट्स हैं जैसे कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल, मदुराई का मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी टेम्पल, तिरुचिरापल्ली का श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। इसी के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे चोलास का बृहदेश्वर टेम्पल, एरावतेश्वरा टेम्पल और पल्लवास का महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यहाँ के मुख्य आकर्षण है। अब वक्त है कि इन डेस्टिनेशन के अलावा हिल स्टेशंस जैसे उदागम मंडलम
या कोडाई कनाल, मेघामलाई और बीचेस जैसे मरीना बीच, अरियामान बीच, पुमपुहार बीच और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क, अनाईमलाई टाइगर रिजर्व को भी प्रमोट किया जाए। फाइनली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स, लो कॉस्ट क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स के कारण तमिलनाडु एक मेडिकल टूरिस्ट हब बन सकता है। IBEF के अनुसार यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बाकी कंट्रीज के मुकाबले 30-50% लेस कॉस्टली है, इसलिए लाखों पेशेंट मिडिल ईस्ट और वेस्ट से तमिलनाडु में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हैसल फ्री फैसिलिटीज देकर हम तमिलनाडु के इस मेडिकल टूरिज्म पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी तमिलनाडु की ग्रोथ की। हमने देखा कि किस प्रकार स्टेट ने न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स पर अपना ध्यान दिया, पर साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स में इन्वेस्ट कर अपने आप को आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया है। अब वक्त है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए छोटे सिटीज जैसे त्रिची, डिंडीगुल, कड्डालोर, सेलेम पर फोकस किया जाए। इसी के साथ इनोवेटिव इको फ्रेंडली इकोसिस्टम की मदद से लोकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है तमिलनाडु को लेकर कि कैसे ये स्टेट और फर्दर डेवलपमेंट कर सकता है, और ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी तमिलनाडु में अनटैप्ड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।